तो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप सब। तो मैं दो तीन दिन से घर पे हूँ, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं घर पे बैठा हूँ और आराम से, और मेरा मन हो रहा है कि आज चलो कहीं बाहर निकलते हैं। मतलब पुरानी वीडियो को एडिट करके कर रहा हूँ। मैंने एडिटिंग पुरानी वीडियो की बहुत मुश्किल से, मतलब कम्प्लीट ही नहीं हो रही है। तो मेरे क्या है कि गाड़ी में क्या वाइपर के नोजल टूट गए थे, नीचे मोटर भी नहीं है, वो डलवानी है। मगर मैं डालने लगा तो मुझे यह प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब तीन वायर थे। तीन मतलब कि आप समझ जाओ, एक तो बैक साइड का बैक वाइपर, ठीक है, उसके लिए मतलब वॉशर दो फ्रंट में है, ठीक है। पर मेरे अंदर से निकल रहे तीन नली, जिसमें से एक जा रही बैक, एक आ रही फ्रंट और एक इंजन की तरफ जा रही। पर मैं सोच रहा हूँ इंजन को पानी की क्या ज़रूरत है, मतलब समझ रहे हो। कूलेंट तो पहले से लगा होता, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो ये रही तीनों, दो तो ये रही, एक ये रही, तो ये तो जा रही है वाली, ये यहाँ जा रही है, यहाँ से दो नोजल लगेंगे यहाँ, और ये जा रही है बैक में, ठीक है। और ये पता नहीं चल रहा ये इंजन में जा रही है, ये वाली यहाँ से या अंदर कहाँ जा रही है ये नहीं पता चल रहा है। तो यही पता करने आज अपन चलते हैं फटाफट से, और देखते हैं मैकेनिक क्या बोलता है इसके बारे में। मेरे को भी नहीं पता चल रहा है ये नली कहाँ जा रही है, वरना मैं खुद ही पानी की मोटर लगा देता, और मोटर नीचे लगती है, जो कि मैं गैरेज जाके बताऊंगा कहाँ लगती है, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो ना किसी। तुम यहाँ अंदर देख सकते हो, सामने के सामने ब्लैक कलर का होल दिखाई दे रहा होगा, वहाँ लगती है पानी की मोटर, विन वॉशर मोटर पंप भी बोल सकते हो तुम। तो इसके अंदर मतलब ये फ्रंट का खोलना पड़ता है। अब ये तुमको मैं बताता हूँ, ये रही मोटर जो कि अमेजोन पे 150 रुपये की और मार्केट में 200 रुपये की, तो तुम अमेजोन से ही ख़रीदो। और मैं आप तुमको बता देता हूँ, ये इसके ऊपर अगर तुम्हारे अंदर फिट नहीं हो रहा हो तो ये एक और एडजस्टेबल दे रखा है जो तुम लगा सकते हो। ये यूनिवर्सल मोटर है, किसी के भी अंदर लग सकते हो। तो मैंने डलवा लिया है, तो कल नहीं मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मैंने सोचा कल अंधेरा हो गया था तो यहाँ से खोल देते हैं। तो मैंने क्या क्या डलवाया मैं बता देता हूँ। मोटर तो तुमने देख ली थी, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ सिंपल सा, 2500 का सेटअप था, मैंने 500 रुपये में निपटा दिया। यहाँ से ये ज्वाइंट करके, यहाँ से टू फेज देके ये हो गया और सीधा नीचे जा रहा है। वो पीछे वाली मैंने नली कनेक्ट नहीं की थी, ये रही वो पड़ी है, कहाँ है पसा रखी है यार। ये तो अंदर जा रही, ये तो अलग है, लिखा है ये रही। ये बेक वाली नली है जो मैंने नहीं लगाई। और इस नली की बात कर लेते हैं, ये है ना वैक्यूम पाइप है, कभी भी गलती से ये अगर तुमने लगा दी इस मोटर के अंदर और इंजन के अंदर पानी चला गया तो तुम्हारी गाड़ी सीज हो जाएगी। ये सिंपल सा गियर अपन सब चेंज करते हैं तो उसको है ना, सिंपल सा गियर सब चेंज करते हैं अपन तो उसके अंदर एयर चाहिए होती है, वरना एयर ना हो तो गियर चेंज नहीं होंगे, तो उसके लिए ये नली। और मैं बता देता हूँ अंदर से चला के तो ये मेरे को कितने में पड़ा सेटअप। तो ये रहे दोनों, तो नली वली सारे करके 125 रुपये मेरे को पड़े, जॉइंट वॉइंट ठीक है, और 125, और मोटर पड़ी 200 की। अगर अमेजोन से ख़रीदता तो मेरे को पड़ती लगभग 150 रुपये की, मगर चलो 500 रुपये हो गया। मैकेनिक को भी दिए थे क्योंकि मैं उस थर्ड वाली नली की वजह से कंफ्यूजन था, वरना थर्ड वाली नली को आप हटा दोगे तो आप सिंपल सा कनेक्ट कर पाओगे। ये देखता हूँ मैं बताता हूँ, मैंने शैम्पू डाल दिया था, मेरे को वाइजर में वॉशर मिला नहीं, विंड वॉशर ये एक की नोजल मैंने नीचे कर रखी है इसलिए कम आ रहा है, वरना कैसा है क्लीन कर रहा है ये। तो मैंने 150 रुपये में सेटअप किया है, मतलब 150 के आप 500 के अंदर अंदर हो गया है, वरना 2500 रुपये का अगर मैं ओरिजिनल करवाता। तो मोटर मैंने तुमको दिखा दी, वो मोटर सिंपल सा मोटर सिंपल सा नीचे मैंने कनेक्ट कर दी, दिखे तो ये तुमको दिखाई दे रही हो तो मैंने दिखा दी थी पहले वीडियो में, कल के वीडियो में। तो तुम भी लगा सकते हो खाली 500 रुपये के खर्च में, ना ओरिजिनल 2500 रुपये का था। और मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, तुम अमेजोन पे मिल जाएगी विंडशील्ड यूनिवर्सल मोटर,
तो मैं यही कहना चाहूँगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तुम्हें व्हील सील के नोजल दिखे दे रहे हैं, अमेजोन पे 300 रुपये के हैं और मार्केट में 80 रुपये के दोनों आ जाएंगे, तो मार्केट से लो तुम, ठीक है ना।